मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। शीलगांव की मनपा स्कूल में बजरंग दल के रितेश उर्फ भाव की मुस्लिम छात्रों और अभिभावकों को गालियां देते हुए धमकी। नाबालिग मुस्लिम छात्र द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर बिगाड़ने को लेकर हुआ विवाद। शिक्षक और अभिभावक नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम छात्रों को पहुंचे नुकसान। महीने भर से मुस्लिम छात्रों से जबरन रास्ते में बुलवाया जाता है श्री राम। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कावड़ यात्रा से लेकर के अब तक किस तरह से मुमरा कौसा से बिल्कुल लगा हुआ सटा हुआ कल्याण फाटा, शील फाटा, ये पूरा परिसर, यहाँ रहने वाले तमाम मुसलमान जो बड़े टॉवरों में रह रहे उन्हें पता नहीं, जो जीपी की बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे उन्हें पता नहीं, लेकिन चौल सिस्टम में रहने वाले, खास करके जैसे के शील गांव से लगा हुआ एकता नगर, शील चौराहे से लगा हुआ ठाकुरपाड़ा मुनीर कंपाउंड और पूरा इतराफ का इलाका, यहाँ जो गरीब मुसलमानों के बच्चे शीलगांव की ठाणे मनपा की मराठी स्कूल में जाते हैं, उनके लिए अब पढ़ाई धूमर हो गई है। क्योंकि अब यहाँ पर एक विवाद के चलते बजरंग दल के रितेश उर्फ भाऊ, जिसने कावड़ यात्रा के दौरान मस्जिद के सामने क्या किया था, फिर शिव शौर्य यात्रा के दरमियान भी क्या किया था, प्रशासन को सब पता है, पुलिस को सब पता है, लेकिन पुलिस इसकी रोकथाम क्यों नहीं करना चाह रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए, आपकी जानकारी में आज की खबर का बहुत संवेदनशील विषय है, बता दे आपको कि इस मनपा स्कूल में एक घटना घटी, 6वीं और 7वीं के 2 छात्र हैं, मुस्लिम छात्र इसाक और जिशान। तो इसाक ने जिशान के उकसावे पर, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक, दोनों नाबालिग है और इसाक ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर पर स्केचिंग करके कुछ गलत तस्वीर बना दी। ये बात अन्य छात्रों को पता चली, शिक्षकों को पता चली, तो दूसरे दिन जो है इसको लेकर बजरंग दल के रितेश उर्फ भाऊ और उसके साथियों ने स्कूल में घुसकर हंगामा किया, शिक्षकों से बदतमीजी की, बदसलूकी की, अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, मुस्लिम छात्रों को जो है रोके रखा और इनके डर के मारे फिर शिक्षक भी उन्हें नीचे भेज नहीं रहे थे कि ताकि बच्चों को कोई मार न दे। किस तरीके से इस पूरे मामले में रितेश उर्फ भाव और उसके साथियों ने स्कूल में हंगामा किया, खुद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ इसके वीडियो उसने शेयर किया है। उससे पहले जो मुस्लिम अभिभावक महिलाओं ने कुछ वीडियोज बनाए वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो पहले वीडियोज देखिए कि किस तरीके की भाषा रितेश उर्फ भाव यहाँ के मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें कौसा मुमरा जाने के लिए बात कर रहा है, यहाँ के स्कूल में आने की जरूरत नहीं कह रहा है। 6वीं 7वीं के बच्चे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर से अगर उन्होंने छेड़खानी की है, कानूनन उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है वो इन लोगों को पुलिस के जरिए करवानी चाहिए थी, बच्चों को मारपीट की जरूरत क्या। वहीं इस मामले में इसाक के पिता है अय्यूब, उनसे टीचर की बातचीत हुई है, शिक्षिका है, बेहद अच्छी शिक्षिका है, उनकी बातचीत से पता चल रहा है कि विषय क्या है और इसको कैसे घुमाया जा रहा है, इस बात से हम समझ सकते हैं। तो उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जो है वो 11 अक्टूबर की है, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। और साफ तौर पर इस पूरे माहौल को देखते हुए टीचर ने अय्यूब से कह दिया है कि वो अपने बच्चों को अब स्कूल न भेजे, उन्हें स्कूल से निकाल ले और किसी और स्कूल में डाल दे, क्योंकि गांव वाले शांति से बैठने वाले नहीं है। ये पूरा मामला छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर को एक नाबालिग मुस्लिम छात्र द्वारा बिगाड़ने के बाद किस तरीके से इसे बजरंग दल द्वारा अब उभारा जा रहा है और यहां पर ये पूरी गतिविधियां कैसी की जा रही है, पूरे वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऑडियो आप सुनिए। और यहां पर एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, कई स्कूल के बच्चों से पत्रकारों की बातचीत हुई और उनके अभिभावकों से बातचीत हुई है, वो पूरी बातचीत जो अभिभावकों से हुई है वो हम आपको दूसरे भाग में दिखाएंगे इस खबर के मुस्लिम छात्र जो भी मनपा स्कूल में जा रहे, एकता नगर के, ठाकुरपाड़ा के, मुनीर कंपाउंड के, आसपास के दूसरे इलाके के, लगभग ऐसी जानकारी के मुताबिक 500 से ज्यादा बच्चे
पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक के इस स्कूल में जाते हैं, शीलगांव की मनपा स्कूल में। यहां इन बच्चों के साथ पिछले एक महीने से रितेश उर्फ भाऊ और उनकी बजरंग दल की पूरी ये आतंकी गैंग मंदिर के पास रोक करके रोजाना मुस्लिम छात्रों को जय श्री राम जबरन कहने के लिए, नारे लगाने के लिए मजबूर कर रही है। जो छात्र लगाता है उसे छोड़ दिया जाता है, जो मुस्लिम छात्र नहीं लगाता है उसके साथ मारपीट की जाती है। दूसरे भाग में उसका भी खुलासा आपको मिलेगा कि जिस छात्र ने मारपीट झेल ली, नारा नहीं लगाया, तो किस तरीके से उसके साथ मारपीट की गई है, क्या उसने और उसके परिवार ने जानकारी दी है, और इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है इसाक के पिता और माता ने और अन्य महिलाओं ने, वो हम दूसरे भाग में आपको दिखाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि जब यह विवाद हुआ 9 तारीख 10 तारीख और 11 तारीख ये तीन दिन में, तो जिस विवाद के पता चलने के बाद 11 तारीख को जब पुलिस भी पहुंची, शील टाइगढ़ पुलिस पहुंची है स्कूल परिसर में, शीलगांव की वो स्कूल हम आपको दिखाते हुए कहते हैं, पुलिस पहुंची, पुलिस ने इन महिलाओं को बाहर निकाला और शील फाटा पहुंचा दिया और पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पूरे मामले का कानूनी संज्ञान लेते हुए जो जिसका दोष है, छात्रों ने जो भी गलती की है उस पर, उन पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और रितेश उर्फ भाऊ और बजरंग दल के लोगों ने एक सरकारी स्कूल में पहुंचकर आतंक फैलाया, यहां पर दहशत का काम किया, छात्रों में, अभिभावकों में, स्कूल के टीचरों में दहशत फैलाने का काम किया, मारपीट कर रहे पिछले एक महीने से, पुलिस कोई जांच पड़ताल शील टाइगर पुलिस स्टेशन करने तैयार नहीं है, न वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में देखने तैयार नहीं है, जबकि लगातार हिंदुस्तानी रिपोर्टर खबरें दिखा रहा है। हम खबरें निष्पक्षता से दिखाते हैं, मुसलमान भी गलत रहेगा तो वहां हम मुसलमान की गलती भी बताएंगे और कहेंगे जरूर, मगर कानून अपना काम क्यों नहीं करता। देखिए इतना बड़ा मामला चल रहा है मगर अभी भी पुलिस इस पर कोई ठोस कार्रवाई करने तैयार नहीं है। कुछ लोग हमें गुंडा कहते हैं, लेकिन हमें इस बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि धर्म को बचाने के लिए गुंडों की ही जरूरत पड़ती है, दबाकर बैठने वाले लोगों की नहीं। जय श्री राम। हाँ मैम, घर पे आई क्या इंसान की मम्मी? आप फूल लगाई थी अभी मेरे को, बोले घर पे गई है, क्या हुआ मैम? ओ गड़बड़ हो गया ना, आपने इंसान ने गड़बड़ किया ना। क्या किया शिवाजी महाराज के इधर गंदा चित्र निकाला मैम, मगर बच्चा है, इतना बच्चे के लिए दाद दाद ओ, बच्चा किया ना अभी, वो सब ईसा के मम्मी ईसा के साथ था, हनुमान जयंती के उधर ईसा के मम्मी बोले मेरे बच्चे ने नहीं किया, वो घर पे बोलने का ना, वो फोटो निकाला, वो वायरल हो गया। अच्छा, वो गड़बड़ किया ना ईसा के मम्मी ने, उसको घर में दाखिल देखने का। अच्छा अच्छा, उधर उसका फोटो निकाला ना ईसा का, फिर वो किधर रहता है क्या रहता है, सब पब्लिक आ गया है ना, गड़बड़ हो गया ना। नहीं नहीं मैं अभी बच्चा है, क्या कर सकते, बच्चे को इतना मार, मैं भी मारा। मम्मी ने ईसा के मम्मी ने ना वो घर पे करने का, उधर वो दिखा मेरे बच्चे ने। नहीं नहीं मैम, क्या हुआ, बच्चे लोग उसको मार रहे थे, लड़के लोग उसको बाहर मंदिर के पास, छोटा मंदिर है देखो, उधर उसको मार रहे थे ईसा को, तो ईसा की मम्मी लेने जा रही थी, तो दौड़ते दौड़ते कुछ बच्चे आगे आए तो बोले कि ईसा को बहुत, वो लड़के लोग बहुत मार रहे हैं। हाँ, फिर तो, उसने ईसा को इसने बोला, जीशान ने बोला। हाँ, अभी जीशान का क्यों सुनने का, बच्चे बच्चे मैम, क्या उनको क्या समझ में है, हम बोलते हैं बच्चे बच्चे, फिर वो गाँव के लोग कितने आए, बाप रे आज पूरा दिन, अभी मैं घर पे आ गए, अभी मैं घर में जा रही है,
अभी क्या करूँ मैम, बच्चे लोग को निकाल लूँ स्कूल से? हाँ हाँ अभी निकाल ही दो, क्योंकि किधर किसने चूज किया, तो हम तो स्कूल में आपको घर पे और रिस्क नहीं लेने का। नहीं नहीं वही मैम, इसने तो आज इसने तो भेजा नहीं, वो बच्चे लोग उसको बच्चे लोग मार मार के बोलते हैं जय श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो। इसीलिए मत भेजो और दूसरे स्कूल में डालो, और ईशा की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती ना। हाँ हाँ उसको थोड़ा वो उसको बोलने का मम्मी पापा का सुनने का और टीचर का, इसका उसका नहीं, ये सुनता नहीं था ना, वो अच्छा रहता था, कितना गड़बड़ हो गया। हाँ नहीं नहीं मैम वही अभी क्या बोलूँ, बच्चे बच्चे का एक दूसरे का एक बात बोल के एक बात जीशान जीशान अगली जीशान के पापा तो कितने मारते जीशान को, तभी भी इतना एक गंदा काम किया जीशान ने। मैं भी क्या करें मैम, फिर भी जाके देखता हूँ मैं भी घर पे क्या है क्या नहीं। अभी टेंशन मत लो, उसको बोलने घर इधर मत आओ, अलग स्कूल में डाल दो, रहने दो। ठीक है। और इस्माइल को भी बस थोड़े दिन मत भेजो। ठीक है मैम, हाँ उसको भी नहीं भेजूंगा। हाँ एक सब निकल जाएगा, उस टेंशन में पुलिस बिलिस सब आए थे, 10 पुलिस आए थे। अच्छा अच्छा। और ड्रेस नहीं डाले थे। हाँ हाँ मैम, फिर अच्छा हो गया। चलो चलो अच्छा हुआ मैम। हाँ हम भी स्कूल में आओ, घर पे आ गए। नहीं नहीं थैंक यू मैम। नहीं नहीं ऐसा कुछ, हमारे भी बच्चे हैं ना, उसको स्कूल में मत भेजो, बाद में भेजो दूसरे स्कूल में।